So, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन ओएस। तो आज का टॉपिक रहेगा रूमर्स अबाउट द कंप्यूटर्स। मतलब कि जब भी आप न्यू कंप्यूटर परचेस करते हो या तो उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो कुछ माइंडसेट से आपके माइंड में, जब भी आपने कंप्यूटर लिया होगा या तो लेने वाले होंगे, अगर आपने ले लिया है तो आपके माइंड में किसी ने डाल दिया होगा इसके साथ ऐसा होगा तुम ऐसा करो वैसा करो, या तो आप न्यू कंप्यूटर परचेस करने जाते हो सामने वाला शॉपकीपर आपके माइंड में वो डाल देगा और आपको डरा देगा कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो। तो आज के वीडियो में हम वही रूमर्स जो है सारे क्लियर करेंगे और जितने भी रूमर जो भी माइंडसेट है हो सका उतना मैं आपके माइंड को क्लियर करूंगा। और आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जब आप कंप्यूटर परचेस करते हो तब वो शॉपकीपर से आपसे लेते हैं कि इसका पैसा लगा लो इसका पैसा लगा लो, आपको कंप्यूटर सेफ होगा, हैंग नहीं होगा, हीट नहीं होगा, फलाना ढिकड़ा जो भी है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपको आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बचाना है और अगर आपको आपके कंप्यूटर की लाइफ बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक रहेगा एंटीवायरस। जब भी आप न्यू कंप्यूटर परचेस करते हो या कंप्यूटर आप जो भी आपका अवेलेबल है आप उसको यूज करते हो तो आप कंप्यूटर शॉपकीपर से पूछते हो क्या है मेरा कंप्यूटर ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी वायरस आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो कंप्यूटर वाला एक ही चीज बोलेगा, सर जी आप है ना एंटीवायरस डालो। तो दोस्तों एंटीवायरस जो है उसका जमाना गया, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विस्ट जो भी थे उसके अंदर एंटीवायरस समझो की जरूरत थी। पर आज के टाइम पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 और विंडोज 11 है तो उसमें कोई भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आप लोग सब जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट इज जायंट सॉफ्टवेयर टेक कंपनी, उसके आगे जितने भी एंटीवायरस की कंपनीज है वो सब छोटी है, वो तो आपको खुद को मालूम है। तो आप इतना सोचिए कि जब माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दे रहा है, इतना पैसा जो भी वो ले रहा है, तो साथ में एक वो एंटीवायरस नहीं दे सकता। वो देता भी है पर कई लोग जो है उनको नहीं मालूम है, बस वो शॉपकीपर की बातों में आ जाते हैं और अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा देते हैं और उसका पैसा शॉपकीपर ले जाते हैं और आप उसमें पागल बन जाते हैं और आपका 2-4 हजार का चूना लग जाता है, फिर उसको रिन्यूअल कराओ 2000 रुपए वापिस दो। तो ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खुद अपने कस्टमर्स के लिए हाईटेक एडवांस एंटीवायरस इनबिल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। उसका नाम है विंडोज डिफाइंडर। विंडोज डिफाइंडर इज अ गुड एंड बेस्ट एंड एडवांस एंटीवायरस, वो सबका बाप है एंटीवायरस में, वो अंदर इंस्टॉलिटी आता है। विंडोज डिफाइंडर जो है वो कैसे वर्क करता है कि आप कुछ भी अंदर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करो या तो कोई लिंक गलती से लगा दिया तो कोई सॉफ्टवेयर गलती से इंस्टॉल कर दिया तो भाई साहब वो एक मिनट में नहीं रुकेगा आपका सॉफ्टवेयर वो चीज को डिलीट करने में। तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, आपको न्यू इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू बार से परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है, उससे आपको अपडेट करना होगा। मतलब आप अपने कंप्यूटर को आधा घंटा या एक घंटा मैक्स टू मैक्स मेरी मानो तो दिन में एक बार कनेक्ट कर ही लो। जो विंडोज डिफाइंडर है उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। समझो अगर आपने वायरस वाली पेन ड्राइव डाली तो ऑटोमेटिक उसको वहां से हटा ही देगा, पूछेगा भी नहीं आपको कि भैया ये आपकी फाइल रखनी है कि नहीं रखनी है। सो डोंट वरी और नॉट टू परचेज एनी एंटीवायरस फ्रॉम द शॉपकीपर। वो अगर बोल भी देवे तो आप बोला ठीक है कोई जरूरत नहीं है, भाई विंडोज डिफेंडर है ही है यार, माइक्रोसॉफ्ट वाले कोई पागल नहीं है जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर देंगे और विंडोज डिफेंडर नहीं देंगे। तो विंडोज डिफेंडर कैसे वर्क करता है वो मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वैसे कि मैंने आपको बताया था एंटीवायरस विंडोज डिफेंडर का, तो वो यहाँ से ओपन किया था, यहाँ पे माउस से क्लिक करना है फिर लिखना है एंटीवायरस, तो ये ओपन होगा सामने विंडोज सिक्योरिटी, इसको क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ जो ये सिस्टम है ये ऑटोमेटिक कोई भी चीज को अगर आप न्यू कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे या डालोगे या कॉपी पेस्ट करोगे तो इसको ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा, जैसे कि प्रोटेक्शन हिस्ट्री है इस तरह, ये सब चीजें मेरे कंप्यूटर में स्कैन की थी जो भी है ये सब, जैसे कि अभी मैंने बेंडीकैम का कीगन मैंने ऐसे जस्ट इंस्टॉल किया था तो वो इसने हटा दिया। और ये होता है मैनेज सेटिंग रियल टाइम प्रोटेक्शन, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ये सबसे पहली चीज, ये चीज इसको पकड़ के फेंक देती है बाहर। सेकंड एंड मेजर सबसे बड़ी अफवाह जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, हैंगिंग एंड हीटिंग प्रॉब्लम। तो आपको भी ये काफी प्रॉब्लम आती होगी, तो आप कंप्यूटर वाले के पास जाते होंगे यार कि सर ये मेरा हैंग हो रहा है कंप्यूटर में क्या करूँगा, तो वो भाई साहब वो ये बोलेंगे आप एंटीवायरस चला दो ना तो आपका हैंग होगा ना तो आपका हीट होगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, हीटिंग एंड हैंगिंग प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटीवायरस, दोनों का रात दिन का फर्क है भाई साहब, कोई दोनों चीज मैच ही नहीं करती है। हीटिंग और हैंगिंग प्रॉब्लम के रीजंस काफी तक सिमिलर है। हैंगिंग और हीटिंग का कारण क्या है, या तो आपका कंप्यूटर से औकात के बाहर वाला सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, अगर आप 6 साल पुराने सॉफ्टवेयर सॉरी 6 साल पुराने कंप्यूटर के अंदर आप एंड्रॉइड स्टूडियो चलाओगे तो चलेगा, तो भाई हैंग तो मारेगा। तो बस सिंपल बात यही है, हैंगिंग और हीटिंग का प्रॉब्लम यही है। हैंगिंग और हीटिंग का जो मेजर फर्स्ट प्रॉब्लम है कि उसका प्रोसेसर मेन सपोर्ट करना चाहिए, अगर प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता तो आपका कंप्यूटर हैंग भी होगा प्लस हीट भी होगा और ज्यादा हीट होने के कारण आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा। रैम सपोर्ट होना, प्रोसेसर सपोर्ट होना, हार्ड डिस्क के अंदर जगह होना, स्टोरेज कैपेसिटी प्रॉब्लम, फिर बाद में प्रोसेसर जो होता है उसके नीचे जो हीटिंग गम होती है उसका जल जाना, काफी सारी प्रॉब्लम है।
तो आपको उसके लिए एंटीवायरस परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। आप एंटीवायरस डलाओगे, सामने वाला बंदा आपको क्लीन करके जाएगा, 2-4 हजार की फिर पत्ती चढ़ा देगा आपको, कोई मतलब नहीं है। उसके लिए या तो आप अपना हार्ड डिस्क अपडेट करो, या तो प्रोसेसर अपडेट करो, या तो पूरा सिस्टम ही अपडेट कर दो। भाई साहब एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगा तो 6-7 साल या 8-10 साल जो भी आपका यूज है उसमें वो आगे चलेगा, उसमें एंटीवायरस डलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप हार्ड डिस्क भी चेंज कर सकते हो, एचएचडी की एसएसडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी हार्ड डिस्क है उसकी 3-4 साल रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ज्यादा बड़े सॉफ्टवेयर चलाने से रैम भी उड़ जाती है, कई बार प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है, या तो फिर उसका पंखा चल जाता है क्योंकि वो बहुत स्पीड में घूमता है प्रोसेसर, प्रोसेस जो भी होती है सॉफ्टवेयर के उसके हिसाब से। तो मेरी मान लो तो जिसकी औकात है उतना ही उसमें काम किया करो, ज्यादा औकात के बाद काम करोगे तो आपका कंप्यूटर भी मरेगा साथ में आपका पैसा लगेगा अलग, या तो सिस्टम हमेशा अपडेटेड रखो और एडवांस रखो। द थर्ड एंड मेजर प्रॉब्लम इज स्टोरेज कैपेसिटी प्रॉब्लम। अगेन वही बहाना, सर आप एंटीवायरस ले लीजिए आपका स्टोरेज कम नहीं होगा, सर आप एंटीवायरस ले लीजिए आपका स्टोरेज ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। क्यों भाई, माइक्रोसॉफ्ट तूने बनाया, तेरे को मालूम है भाई जो है वो सही, बताना लोगों को। तो मेन और मेजर इसका प्रॉब्लम एंटीवायरस से नहीं है, एंटीवायरस स्टोरेज का कोई रिलेशन नहीं है। स्टोरेज कैसे बढ़ती है, स्टोरेज का मेन क्या होगा कि अगर आप सोचते होंगे कि भैया मैंने तो अंदर कंप्यूटर में कुछ डाला ही नहीं है तो मेरा स्टोरेज कैसे बढ़ गया, इसका मेजर लिंकिंग हैंगिंग एंड हीटिंग प्रॉब्लम से भी है। तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, या तो कोई गाने सुनते हो, या तो एक्सेल चलाते हो, या तो पीपीटी करते हो वगैरह, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, आप गूगल डाउनलोड कर रहे हो, कोई डाउनलोड करो, कुछ भी करो, तो भैया हर एक चीज को प्रोसेस करने में उसकी एक फाइल बनती है जिसको बोला था टेम्प्ट फाइल, टेम्प्ट प्रोसेसिंग फाइल। टेम्प्ट प्रोसेसिंग फाइल मतलब अगर आप कुछ भी प्रोसेस करो तो उसकी एक फाइल धीरे 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 बनती जाती है और वो जाती है टेम्प्ट के अंदर। तो उससे भी कंप्यूटर स्लो होता है और आपकी स्टोरेज भी बढ़ती है, इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको वो देखने का है कि उसको अभी इसका सॉल्यूशन क्या करें। अगेन बोल रहा हूं एंटीवायरस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो भी सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी जायंट कंपनी है सॉफ्टवेयर की, तो उसने इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी विंडोज के अंदर। वो उसका काम है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कुछ विंडोज अपडेट करते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, जैसे विंडोज का सिस्टम अपडेट आता है तो वो उसका डेटा उसमें स्टोर कर देता है, उससे आपका कंप्यूटर स्लो होगा, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी और वो चीज आपके कोई काम की नहीं है। फिर टेम्प्ट फाइल हो गई, फिर डिलीवरी फाइल्स हो गई, जो भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग किया, डाउनलोड किया, अपलोड किया वगैरह वगैरह, तो वो सब की क्लीनिंग करने का भी एक सॉफ्टवेयर आता है। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको एंटीवायरस लेने की जरूरत है, ना तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ प्री इंस्टॉलेड विंडोज के अंदर है, विंडोज 10 और विंडोज 11। बस फर्क इतना है कि आपको लोग बताते नहीं है और आप उसमें अपना पैसे का कल्याण कर देते हो। तो चलो इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि उसका कैसे क्लियर करते हैं, कैसे स्टोरेज कैपेसिटी को क्लीन करते हैं, कैसे कंप्यूटर को थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था डिस्क क्लीनअप के बारे में, तो डिस्क क्लीनअप है वो ओपन करना है, यहाँ से सर्च के ऊपर जाइए, यहाँ पे लिखिए DISK क्लीनअप, फिर वापस क्लीनअप करने के बाद ये पूछेगा सी ड्राइव, तो ओके करना है और वापस यहाँ पे क्लिक करना है क्लीनअप सिस्टम फाइल, फिर वापस ओके करना है। तो ये जितने भी कचरा पट्टी है जो भी है, ड्राइवर हो गया, कुछ भी अपडेट कुछ भी हो गया, सबका जितना भी टेंट फाइल है, मतलब जो भी कचरा फाइल है वो सब हटा दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी विंडोज को अपडेट किया था, तो यहाँ पे आता विंडोज अपडेट क्लीनअप, जितना भी मेरा अपडेटेड फाइल है, जो भी अपडेट का डेटा यूज है वो सब यहाँ पे स्टोर हो गया, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं। विंडोज डिफाइंडर अपडेट ये यहाँ पे आ गया, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स कुछ भी नहीं है, टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल जो भी आपने इंटरनेट पर काम किया, विंडोज एरर मतलब समझिए अगर कोई एरर आ गई हो कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सबको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके दबाना है और यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट फाइल। तो ये धीरे 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 पूरे कंप्यूटर को क्लीन कर देगा, अभी कचरा क्लीन करने के बाद आपका कंप्यूटर फास्ट चलने लगेगा। नेवर कीप योर डेटा इन सी ड्राइव, कभी भी अपना जो सॉन्ग्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो, कभी भी सी ड्राइव में मत रखो। सी ड्राइव इज अ सिस्टम ड्राइव विच इज रन बाय माइक्रोसॉफ्ट OS, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो OS है उसमें सॉफ्टवेयर हो गया, प्री इंस्टॉल्ड एप्स हो गया, प्री इंस्टॉल्ड प्रोसेसिंग हो गया, ग्रुप्स वगैरह जितना भी है सबको सी ड्राइव के अंदर चलता है। अगर आपने गलती से भी सी ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा डाला, चलो नो डाउट उसमें डेटा रहेगा, अगर गलती से भी आपको फॉर्मेट कराना पड़ा तो आपके सारा डेटा जाएगा। तो कभी भी अपना डेटा सी ड्राइव में मत रखो। अगर समझो कि अगर आपका हार्ड ड्राइव 1 TB का है और सी ड्राइव पूरा लेके बैठा है, तो उसको पार्टीशन मारो ना, उसका कटिंग करो और आधा स्पेस उसमें से ले लो, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। आप उसको 1 TB में के अंदर से 1 TB के अगर आपकी हार्ड डिस्क आपको 200 GB भी आप उसको दे सकते हो, इनफ आपका कंप्यूटर चलेगा, बाकी सब आपने पर्सनल स्टोरेज के लिए यूज करो, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो सब सी ड्राइव के अंदर होता है, उसकी सारी प्रोसेसिंग। आप जैसे सी ड्राइव खोलोगे उसमें आप देखोगे प्रोग्राम 32 सिस्टम यूजर्स आइटम वगैरह, सॉरी आइटम तो आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो। तो ये चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जितना भी डेटा है अलग से अपने हार्ड ड्राइव में लो, या तो फिर ऐसी एक अलग से हार्ड ड्राइव परचेस कर लो ना, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये भी उतने की कुछ ज्यादा कुछ महंगी नहीं है, 3000-2000 की आती है, 1 TB 500 जैसे एज पर योर रिक्वायरमेंट।
तो जो पार्टीशन कैसे करता है वो भी, उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है पार्टीशन डिस्क, वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो ये फाइल मैनेजर नीचे से क्लिक करना है, उसके बाद दिस पीसी एंड देन सी ड्राइव। अभी ये देख सकते हैं इंटेल, इसके अंदर कुछ नहीं है, परफेक्ट लॉग्स ये अपने को खोलने देगा नहीं। प्रोग्राम फाइल जहाँ पे अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जो भी अपने अलग से इंस्टॉल करते हैं, ये सारे प्रोसेसिंग फाइल सब यहाँ पे होती है। उसके बाद देखिए प्रोग्राम फाइल एक्सी, मतलब इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम एप्स होते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसकी प्रोसेसिंग फाइल सब यहाँ पड़ी जाती है, इसे कभी भी छेड़ना मत। उसके बाद यूजर्स, जो भी अपने कंप्यूटर में यूजर्स होते हैं वो सब यहाँ सेव होते हैं। उसके बाद विंडोज, इसके अंदर भी सारी सिस्टम फाइल्स रहती है, जिसको अपना कोई काम नहीं है, ये प्रोसेस विंडोज को प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी डेटा अपना रखिए नहीं, वरना उड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे समझिए कि अभी मेरी हार्ड ड्राइव है वो है 237 GB की, और इसने अभी 172 GB की यूज़ किया, और मेरे को इस सी ड्राइव को 200 GB ही देनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फिर लिखूंगा PART पार्टीशन, क्लिक करूँगा एंटर। उसके बाद ये जो पहली जो ड्राइव है सी ड्राइव, उसमें से मेरे को इसको 200 GB देनी है, 37 GB मेरे को आगे बाहर निकालनी है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा श्रिंक वॉल्यूम, 2-5 सेकंड लेगा। फिर श्रिंक वॉल्यूम करने के बाद मुझे इसमें 37 GB का अलग से हार्ड ड्राइव बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूँगा 37 × 1204, फिर करूँगा एंटर, इतना है 3788। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 3788, फिर करूँगा श्रिंक। आप देख सकते हैं अब ये अनएलोकेटेड हार्ड ड्राइव बन चुकी है। अब इसमें क्या करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाना है, बैक क्लिक करके फिर नेक्स्ट दबाना है, फिर वापस नेक्स्ट दबाना है, उसके बाद नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट फिनिश। तो ये जो है अब न्यू हार्ड ड्राइव बन गई है। पहले आपने देखा था कि यहाँ पे तीन दो ही ड्राइव थी, एक तो ये और एक राम राम, अब ये न्यू हार्ड ड्राइव बन गई। तो ये इसमें से निकल के इसमें से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें अपना डेटा रख सकते हैं, इसमें सेफ रहेगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो यही ड्राइव फॉर्मेट होती है। तो प्लीज इसमें कोई भी डेटा मत रखिएगा। अब ये देखिए मैंने इसको 200 GB दे चुका हूँ, अभी 200 GB की स्पेस इसमें है। पांचवा प्रॉब्लम है कंप्यूटर परचेस करते टाइम ड्राइवर प्रॉब्लम, मतलब ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, फलाना ड्राइवर, ढिकना ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है। तो भाई साहब आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑटोमेटिक इंस्टॉल करता है ड्राइवर्स को, आपको कुछ भी बाहर से कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को पकड़ो, इंटरनेट के साथ जोड़ो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। फिर भी आपको लग रहा है अपडेट नहीं कर रहा है तो वो भी वीडियो में मैं बता दूंगा, पर अपडेट वो ऑटोमेटिक कर लेगा, रिस्टार्ट भी होगा, उसके बाद आप डिस्क चला लीजिए, फिर आपका स्टोरेज एकदम अच्छा हो जाएगा। और नहीं होता है तो भी मैं एक बार वीडियो में शो कर देता हूं आपको। बार लिखना UPDATE, चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आएगा, अब माउस से क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स दबाइए। तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स आएंगे, ड्राइवर्स अपडेट होगा, कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर में मतलब विंडोज में अपडेट करना है, कि सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करना है, कुछ भी करना है आपको, ये प्रोसेस से जाना है। अब ये इसको सर्च करेगा इसके अंदर कोई अपडेट आया हुआ है कि नहीं। पिछले टाइम मेरे ये सारे चीज़ें अपडेट हुई थी जो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, सिक्योरिटी अपडेट, अपडेट फॉर विंडोज 11, मतलब कुछ फीचर्स और कम्युनिटी अपडेट, नेट फ्रेमवर्क अपडेट, मतलब सारे सॉफ्टवेयर भी इसे अपडेट हो जाते हैं। तो प्री इंस्टॉलेड विंडोज के अंदर आते हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं पर हमें दिखते नहीं है। जैसे कि आप ही देख सकते हैं 2023-24 कम्युनिटी अपडेट प्रीव्यू फॉर विंडोज 11 वर्जन, यहाँ से मैं डाउनलोड इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पे ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होकर अपडेट होकर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचाना है। छठा प्रॉब्लम, या तो उसको रूमर समझो कि भाई मैं मेरा कंप्यूटर 24/7 365 डेज चला सकता हूँ, तो इसका जवाब रहेगा अगर आपके पास, मेरी मानो तो अगर आपके पास ऑल इन वन पीसी है तो आप 24 घंटे 365 दिन चलाओ, कोई बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास डेस्कटॉप वाला पीसी है, मतलब माउस वो टीवी ना वो सब, तो भी आप चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी चीज आती है लैपटॉप, आप लैपटॉप भी चला सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्लीज उसकी बैटरी रिमूव करके आप चलाओ तो भी वो नॉर्मली चलेगा। ये जितने भी डिवाइस है सब ऐसे ही डिजाइन किए कि उसको 24 घंटे चलाना वो तो चला सकते हैं। ये भी लोगों के माइंड में रहता है इसको 24 घंटे चला गया, भाई साहब मेरे पास एक पीसी है खुद का जो कितने 2 सालों से 24 घंटे चालू है, मैंने उसको बंद भी नहीं किया अभी तक और वो मस्त चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो ये जो मिथ है वो मन से निकाल दो, आप कोई भी कंप्यूटर को कोई भी चीज को अनलिमिटेड चालू पावर ऑन करके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जवाब दूंगा मैं पक्का। सातवां और मेजर प्रॉब्लम है हैक। तो हैक होना ठीक है, पॉसिबल है हैक होना, पर अगर आपका डेटा आपको लगता है कि ज्यादा
प्रॉब्लम है कि भाई मेरा डेटा बहुत ज्यादा प्यारा है, तो आप उसके लिए अपने जितने भी कंप्यूटर के सिस्टम्स है, जैसे कि सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गए कि सिस्टम अपडेट आ गया, विंडोज का अपडेट आ गया, एंटीवायरस अपडेट, वो खैर तो अभी विंडोज 10 और 11 में ऑटोमेटिक होता है, फिर भी आप उसको अपडेट कर सकते हो, या तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है हाउ टू कीप सिक्योर माय कंप्यूटर, वो भी आप देख सकते हो, पर इसके लिए आपको एंटीवायरस देने की भाई अभी भी जरूरत है नहीं, ना तो कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत है, सब कुछ इनबिल्ट है और वो सब ऑटोमेटिक करता है, बस आपको आपके कंप्यूटर को दिन में एक घंटा तो अपडेट कर ही लेने का इंटरनेट कनेक्ट करके, अगर नहीं मालूम पड़े तो मैंने वीडियोस की अपलोड की हुई है, आप इस वीडियो के सीरीज में देख सकते हो। सो गाइस ये थी कुछ बातें जो मुझे आपसे शेयर करनी जरूरी थी, वरना आप ऐसे ही पागल बन जाते, तो जिसको मालूम है तो ठीक है उसको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं मालूम है तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी पैसा बचे और उनका भी टाइम बचे। थैंक यू सो मच।